हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स में। मैं हूं डॉक्टर उमेश मिश्रा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिसर के एक ऐसे टैबलेट के बारे में जो कि पूरी तरह से होम्योपैथिक है और पूरी तरह से सेफ है और इसका इफ़ेक्ट काफ़ी बढ़िया है। ऐसे मरीज़ जो फिसर या पाइल्स की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको पाइल्स की वजह से या फिसर की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो उन मरीज़ों के लिए आज मैं इस टेबलेट के बारे में बताने वाला हूं। ये एक होम्योपैथिक टेबलेट है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिसर के मरीज इस टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें जिससे कि उनको जो समस्या हो रही है, चाहे वो दर्द की समस्या हो या लैट्रिन में ब्लड आने की समस्या हो, उन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं इस टेबलेट के इस्तेमाल से। तो इस टेबलेट के बारे में सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी पता चल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल कॉन्टेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, जो ये FP टेबलेट्स आप देख रहे हैं, ये होम्योपैथिक दवाई है जिसको कि SBL वर्ल्ड क्लास की जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है। SBL एक काफ़ी रिप्यूटेड कंपनी होती है जो कि कई तरह की होम्योपैथिक दवाइयां मैन्युफैक्चर और सेल करती हैं। इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं और उनका रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया होता है। तो उन्हीं में से एक ये है, FP टैब्स के नाम से आता है, 25 ग्राम का होता है। इसकी MRP होती है 140 रुपये। ऐसे मरीज़ जो कि फिसर्स की बीमारी से या फिर पाइल्स की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको दिक्कतें हो रही हैं, वो मरीज़ इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यूजफुल इन पेनफुल आर ब्लीडिंग एनल मास फिसर एंड एसोसिएटेड पेंस, मतलब कि फिसर की वजह से या पाइल्स की वजह से अगर किसी को दर्द हो रहा है या फिर ब्लीडिंग आ रही है, एनल मास है या उसी से रिलेटेड दर्द है लैट्रिन करने के दौरान या उसके बाद, या फिर लैट्रिन के साथ साथ या लैट्रिन करने के बाद ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ, तो ऐसे मरीज़ इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके डोज की बात करें तो दोस्तों इसका डोज होता है 2 टेबलेट TDS, यानी कि 2 गोली सुबह दोपहर शाम इसको खानी रहती है। इसका रिस्पांस काफ़ी बढ़िया होता है, 2 से 3 दिन इसको यूज करने पे ही इसका रिस्पांस पता चल जाता है। अगर किसी को काफ़ी दर्द हो रहा हो लैट्रिन के दौरान या फिर ब्लीडिंग आ रही हो, तो इन सब समस्याओं के लिए ये काफ़ी उपयोगी दवा होता है दोस्तों। हालांकि ये एक होम्योपैथिक दवा है तो इसका रिस्पांस इतना जल्दी नहीं आता है जितना जल्दी कि इंग्लिश दवाइयों का या एलोपैथिक दवाइयों का रिस्पांस आता है, पर अगर इसको रेगुलर यूज किया जाता है तो इससे जो भी फिसर की समस्या है उसकी वजह से, या तो पेन की है या फिर ब्लीडिंग की समस्या है, तो वो सब धीरे धीरे करके एक टाइम के बाद सही होने लगता है। सिम्टम में आराम मिलने लगता है 2 से 3 दिन यूज करने के बाद ही, पर अगर इस उस बीमारी को आप पूरी तरह से सही करना चाहते हैं तो इसका रेगुलर यूज करना रहता है, 1 से 2 महीने इसको यूज करना रहता है। 2 महीने में काफ़ी हद तक जो फिसर की या पाइल्स की समस्या है वो दूर हो जाती है। इसके साथ कुछ और भी दवाइयाँ दिया जाता है। होम्योपैथिक में अगर बात करें तो इसके साथ आप एस्कुल असाइनमेंट दे सकते हैं मरीज को, जो कि एक होम्योपैथिक आइंटमेंट होता है जिसको कि यहाँ पे एनस जो ओपनिंग होती है वहाँ पे लगाना रहता है उसको, और साथ साथ ही गोली खानी रहती है। इसके अलावा और भी कई दवाइयाँ आती हैं जिसको कि हम इसके साथ में यूज कर सकते हैं, पर इस वीडियो में मैं मेनली बात कर रहा हूँ FP टैब्स के बारे में। तो दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल होता है फिसर्स के मरीजों के लिए। 140 रुपये इसकी MRP है। ये 25 ग्राम का होता है। इसमें एक डिब्बी में करीब 20 दिन का डोज होता है,
15 से 20 दिन चलता है। अगर इसको आप दो गोली सुबह दोपहर शाम तीन टाइम अगर इसको खाते हैं तो ये करीब 15 से 20 दिन तक के लिए चलता है। 140 रुपये में 20 दिन की डोज होती है। काफ़ी बढ़िया और यूजफुल होता है ये। ऐसे मरीज जो फिशर्स से या पाइल्स की वजह से परेशान हो रहे हैं, जिनको दर्द हो रहा है लेटरिन करने पे या ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऐसे मरीज इस टेबलेट का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये एक होम्योपैथिक दवाई है, तो इसका कोई कंट्राइंडिकेशन भी होता नहीं है। तो चाहे किसी को शुगर हो या कार्डियक का मरीज हो या कोई भी हो, तो वो इस टेबलेट को आराम से उपयोग कर सकता है और फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दवाइयों और स्वास्थ्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा हेल्दी टिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।